छत्तीसगढ़ के कवर्धा शहर के लोहारा नाका चौक में 3 अक्टूबर को हुए दो समुदायों के बीच झंडे विवाद के बाद देश भर के साधु संत 10 दिसंबर कवर्धा पहुंच रहे हैं। जिस स्थान में भगवा झंडे का अपमान किया गया था उसी स्थान में प्रदेश का सबसे ऊंचा भगवा ध्वज फहराएंगे, इसकी तैयारी की जा रही है। साथ ही इस धार्मिक आयोजन में प्रदेश के राजाओं को आमंत्रित किया गया है। इसमें सभी ने आमंत्रण को स्वीकार किया और आने का भरोसा दिया। जो हमारा सनातन धर्म है वो सनातन धर्म का एक प्रतीक, क्योंकि हम लोग सनातन धर्म में प्रतीक पूजा करते हैं, प्रतीक ही हम लोगों का सर्वोपरि है। और आप सबको पता है कि उस प्रतीक का अपमान हो गया था, तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब तक के हमारे ध्वज ऊपर नहीं रहेंगे उनके आश्रित रहने वाले कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम सब सनातनियों की आस्था के लिए वो ध्वज लहराया जा रहा है, ताकि ये देखने के बाद ये लगे कि आज के बाद कोई ऐसा विधर्मी ना हो कि ध्वज का अपमान कर सके। कबीरधाम जिले के 108 गांवों में 3:45 में भगवा ध्वज फहराया जाएगा, जो इस जिले के लिए बहुत बड़ी बात है। आज तक भारत में ऐसा नहीं हुआ, ये पल ऐतिहासिक रहेगा। धर्मसभा जो होनी है 10 दिसंबर 2021 को, परम पूज्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का जो संकल्प था कि इस धर्म नगरी में 108 फीट के स्तंभ में जो भगवा ध्वजारोहण होना है, उस कार्यक्रम का यहाँ पर धर्मध्वज धर्मसभा होना है, उसका आज भूमि पूजन संपन्न हुआ है। से छत्तीसगढ़ के सारे राज परिवार दुखी हैं। हम सारे राज परिवारों से मिलकर आए हैं, इस कार्यक्रम के लिए उनको निमंत्रण दिए हैं। तो उस समय राज परिवारों ने बहुत वेदना व्यक्त की कि हमारे हृदय को जिस स्थान में हमारे पूर्वजों ने विश्व कल्याण की भावना से राज किया है, उसी स्थान में अगर इस प्रकार से हमारे प्रतीक का अपमान होता है तो ये हमारे हृदय के लिए बहुत कष्ट दे रहा है। तो राज परिवारों ने भी बड़े कड़े शब्दों में आपत्ति व्यक्त की है और सभी राज परिवार 10 दिसंबर का जो कार्यक्रम है परसों वाला, उसमें अपने गरिमा के साथ आने वाले हैं, सम्मिलित होने वाले हैं और अपने सनातन हिंदू धर्म के जो आदर्श बिंदु हैं भगवत ध्वज, उसको सभी मिलकर लहराने वाले हैं। स्वामी ने कहा कि कवर्धा में जिस दिन भगवा ध्वज का अपमान हुआ था उसी स्थान में 108 फीट का भगवा झंडा लगाया जाएगा। उसी संकल्प को 10 दिसंबर को पूरा करने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी इस सुनहरे पल में मौजूद रहेंगे और कहा कि हम सनातन धर्मी हैं और हमारे सनातन धर्म की प्रतीक भगवा ध्वज का पूजा करते हैं। हम हिंदुओं का प्रतीक भगवा ध्वज हमारे लिए सर्वोपरि है। 10 दिसंबर को 11 बजे श्री राम जानकी मंदिर से 5100 महिलाओं का कलश यात्रा निकलेगा। कलश यात्रा ध्वजारोहण स्थल में आएगा। 1 बजे ध्वजारोहण होगा। ध्वजारोहण के बाद इस स्थान पे 2 बजे से धर्मसभा आयोजित है। लगभग हमारे पास 200 के संख्या में अलग अलग आचार्य मठों से महामंडलेश्वर जी लोग आ रहे हैं। सब लोग यहाँ आकर के उस दिन धर्मसभा में शामिल होंगे। 9 दिसंबर को 108 ग्राम में 3:45 में एक ही समय में अलग अलग संतों के द्वारा ध्वजारोहण, भगवा ध्वजारोहण होना है।